नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भाग्यशाली औरत के शरीर पर होते हैं यह निशान। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब बच्चों का चेहरा माता पिता से मिलता है तो वो उनके लिए भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिलाओं के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में अगर किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है और जब पहली बार अपने ससुराल जाती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर लक्ष्मी आई है। स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी गई है। वैसे तो हर लड़े देह की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य ने कराती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में है। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वो नए जीवन का मूल आधार होती है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे यह जाना जा सकता है कि कौन सी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली होती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कौन से हैं वो निशान, आइए जान सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर एक, चमकते नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छी और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती है। यह अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल करती है और पूरी इच्छा से अपना काम करती है, जिसमें महिला के पास की मध्यमा उंगली बड़ी होती है। वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों, नंबर दो, बाएं गाल पर तिल। जिन्स महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाती है। वो अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती हैं। यह बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसकी वजह से इनका परिवार इनसे हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, नंबर तीन, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है में मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है, लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं जाता। दोस्तों, नंबर चार, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की कुंडलियां लंबी होती है वह बहुत ही बुद्धिमान होती है। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्ची नहीं करती, बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो यह इसे दोगुना करने का हर संभव प्रयास करती हैं। उनका परिवार और पति इनसे हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, नंबर पाँच, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह से विकसित होते हैं तो इस तरह की लड़की अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती है। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इस प्रकार होती है कि इनका पार्टनर इनसे हमेशा नजदीकी बनाकर रखता है, क्योंकि एक पति या प्रेमी को अपनी प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार की उम्मीद है और इस मामले में ऐसी महिला हमेशा आगे रहती है। अर्थात अगर कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वह हमेशा खुश रहेगा और उसे अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। दोस्तों, नंबर छह, तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलवों में कई गहरे राज छिपे होते हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वह बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होती है और ये किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती है।
ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। अगर जिन महिलाओं के तल में त्रिकोण का निशान बनता है वो महिलाएं वास्तव में भाग्यशाली होती है। दोस्तों, नंबर 7, बड़ी बड़ी आंखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं ज्यादा पसंद होती है और लोग ऐसी महिलाओं की आंखों में अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, उन्हें हेडने की आंखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली इन स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है, उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, नंबर 8, नाक के पास दिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह तिल होना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में तेल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होते हैं। दरअसल अगर किसी महिला की नाक के पास दिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। दोस्तों, नंबर 9, खूबसूरत चमकदार बाल। अगर किसी महिला के होते हैं तो वो महिला माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है, यह महिला वहां सौभाग्य लेकर आती है। घर परिवार ढंग से सदैव भरा रहता है। दोस्तों, नंबर 10, हाथ का अंगूठा। अंगूठे पर पाए जाने वाला यह भाई चांद यानी के व्हाइट मून यानी चंद्र भाग्यशाली होने के तेज दिमाग होने की भी निशानी है। ये निशान जिन भी लोगों के अंगूठे पर होता है, अक्सर वो लोग जन्म से ही भाग्यशाली होने के साथ साथ तीव्र बुद्धि यानी की तेज दिमाग होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता है, वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। इन्हें जीवन में हर वो सुख मिलता है जिसकी वह आशा करती है। इसके विपरीत, माता के चेहरे से जिस पुरुष का चेहरा मिलता है, वह भाग्यशाली माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाओं पृष्ठ में मांसल होती है, वह वैभवशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली व विकृत जंघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं मारी है। ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी संतान पक्ष की ओर से घर वालों को कोई दुख नहीं झेलना पड़ता। इनकी संतान हमेशा सबका आदर करने वाली व आज्ञाकारी होती है और इसीलिए ऐसी स्त्रियों को भी भाग्यशाली माना जाता है। तो उसको शास्त्रों में स्त्रियों को धन की देवी माता लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। लेकिन वही महिलाओं की कुछ गलतियां उन्हें पूरे परिवार के लिए दुर्भाग्यशाली बनाती है, बर्बादी का कारण बना देती है। जब कोई महिला घर का मंदिर गंदा रखने लगे, पूजा पाठ में उसकी रुचि कम हो जाए, वह स्त्री बेहद लंबे समय तक सोती रहे, घर को गंदा रखे, सुबह देर से उठे और रात में देर से सोने लगे, ऐसे में वो स्त्री मैले वस्त्र पहनने लगे, नहाने में उसकी रुचि कम हो जाए, तब उसी क्षण माता लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर चली जाती है। ऐसे घर को माता लक्ष्मी त्याग देती है और गरीबी और बर्बादी जैसे लक्षण उस घर में आने लगते हैं, जो कि एक बर्बादी का संकेत है। वहीं जब कोई महिला बृहस्पतिवार को मांस खाने लगे, धूम्रपान व मदिरा पीने लगे, अचानक से बेवजह बृहस्पतिवार को बाल धोने लगे, बृहस्पतिवार को कपड़े धोने लगे और पोछा लगाने लगे, ऐसे में बाल नाखून काटने लगे, तब घर में बृहस्पति कमजोर होने लगता है और पति की बर्बादी शुरू हो जाती है। जो महिला मुख से कड़वे बोल अचानक से बोलने लगे, सास ससुर पर अत्याचार करने लगे, पति को लाभ से मारने लगे, पति को गालियां देने लगे, तो ऐसी महिला घर की बर्बादी का कारण बनती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाथ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो लिखें, क्योंकि यह लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।